ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 10 सालों से खुद खाओ और मुझे भी खिलाओ की तर्ज पर काम कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली जानकारी से ये खुलासा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। डेटा सार्वजनिक होने के बाद से जैसे जैसे इस घोटाले से परतें हट रही हैं, वैसे वैसे मोदी सरकार का भ्रष्टाचारी चेहरा देश की जनता के सामने आ रहा है। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए मोदी सरकार ने ईडी के जरिए अपना वसूली रैकेट चलाया। ईडी वसूली करने के लिए कंपनियों पर छापेमारी की कार्यवाही करती, उसके बाद कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को चंदा दे देती। आइए आपको बताते हैं कैसे कंपनियां जांच एजेंसियों की रडार पर आती गईं और बीजेपी को चंदा चढ़ाती गईं। जांच एजेंसियों की रडार पर आते ही फ्यूचर गेमिंग ने बीजेपी को 100 करोड़ का चंदा दिया। 50 करोड़ का चंदा तो ईडी की प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई के बाद दिया। हल्दिया एनर्जी ने पहले बीजेपी को 16 करोड़ का चंदा दिया था, मगर जांच एजेंसियों की रडार पर आते ही कंपनी ने बीजेपी को 175 करोड़ का चंदा दिया। ऐसा ही हाल केवेंटर कंपनी का है। इसने जांच एजेंसी की गिरफ्त में आने के बाद बीजेपी को 320 करोड़ रुपए का चंदा दिया। बीजेपी ने ईडी, आईटी और सीबीआई को अपने वसूली गैंग में शामिल करके कंपनियों से लूट की और अपने खजाने भरे। बीजेपी की इस लूट को रोकने के लिए लोकसभा चुनाव में हाथ का साथ दीजिए और जुमले फेंक कर जनता से धोखा करने वालों को सत्ता से बाहर कीजिए।